मध्य प्रदेश के दमोह शहर की विधानसभा सीट की सियासत बेहद अहम मोड़ पे है और इस अहम मोड़ पे है काय के इते भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लाने अलग तरीके की राजनीति हो रही। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक राहुल सिंह लोधी और उनको विधानसभा का उपचुनाव लड़ बहुत तय माने जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन दूसरी तरफ जयंत मलैया जो कि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं, दमोह के पूर्व विधायक हैं, वे अपनी दावेदारी छोड़ बेखो तैयार नहीं आ। 26 जनवरी को इतने दमोह विधानसभा सीट के प्रभारी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह पहुँचे थे और उनके सामने जयंत मलैया के समर्थकों ने खुल के दावेदारी जताई है अपने नेता के लाने। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे दमोह उपचुनाव के प्रभारी हैं और हमने पूरे मंडल के अध्यक्षों की भावनाओं को, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भावनाओं को, पूर्व जिलाध्यक्षों की भावनाओं को और पार्टी के सभी कार्यकर्ता की भावनाओं को उन तक पहुँचाया है कि आदरणीय जयंत भैया को पुनः उम्मीदवार बनाया जाए। मौके पर शक्ति प्रदर्शन जैसी स्थिति भी बनी। जयंत मलैया के बेटा सिद्धार्थ मलैया भी पहुंचे, हालांकि वे बोले कि जो भी उम्मीदवार बने वो पार्टी तय करे, लेकिन इशारों में कह गए कि उनके परिवार की दावेदारी भी साफ तौर पे है। दावेदारी सशक्त है या नहीं है, सभी की दावेदारी सशक्त है, उसमें किसी की कम और ज़्यादा वाली बात नहीं, वो तो पार्टी तय करेगी। और यहाँ दावेदारी के लिए तो आज मीटिंग थी ही नहीं, मीटिंग तो चुनाव की तैयारियों को लेकर है, उसकी रूपरेखा के लिए है कि किस प्रक्रिया से किस तरह से कार्यक्रम नीचे लेके जाएंगे और नगरीय निकाय के भी चुनाव है, उस बाबत आज बैठक थी। हालांकि इन दावेदारियों के प्रदर्शन पर राहुल सिंह जो खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और दमोह विधानसभा सीट के प्रभारी भूपेंद्र सिंह, दो ही जने कछु ज़्यादा खुल के नहीं बोले और बोले कि पार्टी निर्णय ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के पहले अपनी बात लोग रखते हैं, पर जो निर्णय पार्टी का होता है उस निर्णय को सब स्वीकार करके, और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के लिए लोग काम करते, व्यक्तियों के लिए काम नहीं करते, और पार्टी जो तय करेगी उसके लिए सब मिलकर जताएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और निश्चित तौर पर पार्टी तय करेगी क्या होना है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी भूपेंद्र जी भाई साहब परिचय के लिए और हमारा भी आज सभी पार्टी के वरिष्ठ जनों से और मातृशक्ति सभी से परिचय हुआ, आशीर्वाद लिया। अब आगे आगे जैसे समय बढ़ेगा और वैसे वैसे गतिविधियां बढ़ेंगी और चुनाव की तैयारी चली रही। जयंत मलैया के तमाम समर्थक तो उम्मीद कर रहे हैं कि कछु भी होए उनके नेता के नाम पे पार्टी मोहर लगाए चुनाव में लड़वे के लाने। लेकिन बड़ो सवाल जा है कि कांग्रेस पार्टी से आए सबरे पूर्व विधायकन को भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में टिकट दी है और ऐसे में दमोह को अलग नजीर बना पे है का भारतीय जनता पार्टी, वो भी तब जब पूरे देश में अलग अलग पार्टियों के विधायकों को अपनी तरफ लियावे की कोशिश में जुटी है भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पे बंगाल में तो आधी तृणमूल कांग्रेस ही टोल डाली है उतने के विधायकों को लिया के। अगर दमोह में भारतीय जनता पार्टी कोनू ऐसो खतरा मोल ले थे तो राष्ट्रीय स्तर पर ऊको का प्रभाव पड़े बहुत सारे बिंदु हैं। लेकिन फिलहाल दमोह में भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लाने जद्दोजहद जारी है और कांग्रेस पार्टी ठंडे आनी घरे देखे मजा ले रही। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लाने सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।